सरकार ने नहीं सुनी, हम सुनेंगे। समस्या आपकी लेकिन आवाज हम बनेंगे। प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। मैं अक्षिता रावत। मैं पीयूष वाणी, एक बार फिर से जुड़ा आपके साथ। हार जीत तो होती रहेगी, बात कुर्सी से नहीं हल से बनेगी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब होगा संवाद सत्ता का नहीं, संवाद जनता के मुद्दों का। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। देश प्रदेश में इस वक्त चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो चरम पर है। जल्द ही उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे और तारीख भी कि कब लोकसभा चुनाव के जो 2024 में इलेक्शन होने वो किस दिन होने हैं, जल्द ही इसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। इसी में प्रतिपक्ष संवाद की टीम ने भी अपनी चुनावी कवरेज यात्रा शुरू कर दी है और प्रतिपक्ष संवाद का जो पहला स्टॉप है वो है देवभूमि यानी उत्तराखंड में चंपावत जिला। चंपावत की कला और संस्कृति की वजह से चंपावत जितना ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, उसी वजह से यहाँ की जो राजनीति है वो भी सुर्खियों में रहती है। तो यहाँ की जनता की आज हम राय लेने पहुँचे हैं कि यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या कुछ सोच के वो वोट करेगी और क्या यहाँ की राजनीति, क्या विकास हुआ है। अच्छा, मैं एक बात आपको और बता दूँ कि उत्तराखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, ये उनका विधान क्षेत्र भी है, यहाँ के विधायक भी हैं। तो उस नज़रिए से यहाँ की जनता उन्हें कैसे देखती है, क्या कुछ जनता के मन में चल रहा है, बहुत कुछ। 2024 की शुरुआत ही बड़ी अजीब व गरीब थी, बहुत अच्छी भी थी, बहुत बुरी भी थी, काफ़ी कुछ राजनीतिक बदलाव भी हुए हैं, तो उसको जनता किस तरीके से लेती है। बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके विचार क्या हैं, इनकी राय क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। अपना परिचय दीजिए और राजनीति, जल्दी ही लोकसभा चुनाव 2024 के होने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है और कैसा माहौल होने वाला है? आऊंगी आपके पास। ऐसा राजनीति माहौल जो है वो तो गर्माता है, जब राजनीति का क्या कहते हैं माहौल आता है तो राजनीति तो गर्माती है, लेकिन जो है उत्तराखंड में कोई रोजगार तो मिला नहीं है, सब तो बेरोजगार है। आदमी बेचारा पढ़ा लिखा जो है सारी टैक्सियों का काम करता है, हजारों टैक्सियाँ लेके, फिर भी जो है सरकार जो है इनके ऊपर कुछ ना कुछ कानून बनाते रहती है। आपने देखा है कि अभी आपने ये देखा फिटनेस का जो वो हुआ था, लगेज कैरियर का हुआ था, इसलिए आपने पूरा देखा होगा। तो इसके लिए सरकार ने पूरा सोचना चाहिए कि गरीब आदमी जो है वो टैक्सी लेके चलवा रहा है, अपने घर का पालन पोषण कर रहा है। अजय, 2024 की शुरुआत में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया पूरे भारतवर्ष में, जो कि था राम मंदिर का उद्घाटन। तो क्या लगता है कि राम मंदिर का उद्घाटन होने से, राम मंदिर का निर्माण होने से भाजपा का जो वोट बैंक है उस पर कुछ असर आएगा या फिर नहीं? ऐसा है, राम मंदिर तो सभी का, हम सनातन धर्म के आदमी हैं, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर और क्या कहते हैं शिव जी का मंदिर तो सभी का हुआ, वो उसमें तो ठीक है। वोट बैंक जो है अगर किसी को पढ़ना चाहे पड़ेगा तो वो तो इसमें कहा नहीं जा सकता है। राम मंदिर जो है ये तो सभी पूरा हिंदुस्तान का राम मंदिर है ना, पूजा पाठ करता कोई भी है और कोई भी उसके सनातन धर्म से जुड़ा है, इससे वोट बैंक जो है कि सबका होता है, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, आपके राजनीतिक विचार क्या हैं कि कौन सी पार्टी का दबदबा ज़्यादा होने वाला है? मेरा विचार ये है कि आप लोगों के सामने हम ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो भी हमारे मतलब युवा कल्याण के मतलब जो भी विभाग हैं, जो भी मतलब हमारे मतलब सम्मुख जो भी मतलब हमारे मतलब बेरोजगार आदमी हैं, तो उन लोगों के सम्मुख यह होना चाहिए कि मतलब कोई दबदबा नहीं है, कोई निजी निभाव भी नहीं है कि मतलब इसी की मतलब बीजेपी के ना हमसे कोई मतलब है ना हम कोई किसी के मतलब है, नहीं मतलब इससे मतलब है कि मतलब सब लोग के मतलब दोनों सम्मुख के एक ही साथ मतलब दोनों का। और भी लोग हैं, उनके भी विचार जान लेते हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं कि क्या राजनीति को वो किस तरीके से देख रहे हैं, खासकर चंपावत में क्या माहौल होने वाला है इस वक्त लोकसभा चुनाव की जब तारीख नज़दीक आएगी और जल्दी जब इलेक्शन होंगे तो क्या माहौल होगा, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो अभी से मिल जाएगा। तो अभी से हम उतर चुके हैं ग्राउंड पर। सर, आपका क्या मानना है कि कौन सी पार्टी का दबदबा इस वक्त ज़्यादा होने लगा, और जो सवाल मैंने इनसे किया वही आपसे भी करूंगी कि राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद क्या लगता है कि भाजपा का जो वोट बैंक है उस पर कुछ असर पड़ने वाला है?
भाजपा का वोट बैंक बढ़ेगा राम मंदिर से। राम मंदिर सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि हमारे लिए नहीं है, सभी के लिए है। हमारे जो जितने जातिवाद है सभी के लिए राम मंदिर अनिवार्य है। राम मंदिर से भाजपा का भी वोट बैंक कुछ नहीं बढ़ेगा, जनता का होना चाहिए जो भी हो। जहाँ तक है चंबा राजनीति, जहाँ तक उत्तराखंड की राजनीति, मुझे लग रहा है कि यहाँ से बीजेपी जीतने वाली है, क्योंकि बीजेपी का दबदबा ज़्यादा है। बीजेपी ने काम भी कर रखा है, हर किसी चीज़ में, हर किसी गरीब कहीं से कहीं तक, गरीबों से लेकर जहाँ तक है बीजेपी का दबदबा ज़्यादा रहेगा मेरे हिसाब से। तो अच्छा, बीजेपी के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के अभी उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम यहाँ पर हुआ है, काम किया है, तो ज़रा दो चार गिनवा सकते हैं तो गिनवा दीजिए कि क्या बदलाव हो चुका है बीजेपी यहाँ जब सत्ता में आई उसके बाद। राष्ट्रीय राजमार्ग देख लो, ये नेशनल जहाँ से आप लोग आए हो, पहले बहुत टाइम लगता था यहाँ आने में, अब 2 ही घंटे में पहुँच जा रहे हैं। फिर अब और क्या कह सकते हैं, बढ़िया विकास हो रहा, 5 की 5 सीटें बीजेपी जीतेगी, मतलब जो सीट तो बहुत बम्पर जीतेगी बीजेपी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है तो यहाँ से तो जीतना क्या है, बहुत बम्पर जीतेगी बीजेपी। मतलब चंपावत की जनता चाहती है कि बीजेपी आए, चाहिए ठहरा, चाहे पहले से चाहती थी, पहले भी बीजेपी थी, अभी बीजेपी रहेगी, 10 साल हो जाते हैं, रहेगी, डन है। तो और भी लोग हैं, जान लेते हैं कि क्या विचार है उनके। आप देख रहे हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि चंपावत में, कई लोग ये दावा भी ठोक रहे हैं कि चंपावत में जो भाजपा की पार्टी है वो फुल टू फुल वापस आने वाली है, वापसी करेगी लोकसभा चुनाव 2024 में। और लोगों से जान लेते हैं कि उनके क्या विचार हैं, क्या जानते, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में 2024 में जो होने वाले हैं, क्या माहौल होने वाला है चंपावत? मैम, बम्पर जीतेंगे, एकदम एक तरफा जीतेंगे। माननीय अजय टमटा जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और देखा जाए तो जहां हम टनकपुर जाते थे 3 घंटे लगते थे, आज 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। ऑल वेदर रोड देखिए मैम, अभी पिथौरगढ़ से देहरादून हेली सेवा चल रही है, तो एक तरफा विकास हो रखा है, एक तरफा बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि आपकी मतलब अब आएंगे आप पर तब आप बोलिएगा। अच्छा, आप और भी बातें बता रहे थे तो उसको पूरा कर। जी मैम, पिथौरगढ़ से फ्लाइट जा रही देहरादून, जहाँ क्या कहते हैं हम 14 घंटे में पहुँचते थे, वहाँ अब 1 घंटे में पहुँच जा रही 57 मिनट में। बहुत विकास हो रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है, आज की डेट में कोई परेशान नहीं है, युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है यहाँ, तो एक तरफा जीतेंगे, CM साहब की विधानसभा है ये। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के यहाँ लोग जितने भी अभी मौजूद हैं, जितने भी लोग मैंने बात की, सब आगे बीजेपी की नहीं है, बीजेपी को काम गिनवा रहे हैं, चाहते हैं ना, तो क्या लगता है कि बीजेपी के समक्ष कोई दूसरी पार्टी इस वक्त आ पाएगी या नहीं? कोई नहीं आ पाएगी। अच्छा, आप जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, तो क्या लगता है आपको फिर, यहाँ तो जितने भी लोग नजर आ रहे हैं सब भाजपा को चाहते हैं? सभी थोड़ी भाजपा को चाहते हैं, जो उसके भाजपा के आदमी है वही चाह रहा होगा, बाकी तो अलग अलग, कोई रोजगार दिया नहीं, बेरोजगारी है, पढ़ा लिखा आदमी टैक्सी चला रहा है, कैसे कैसे मिल रहा है? आपके बगल खड़े होके कह रहे हैं कि रोजगार दिया है? नहीं, रोजगार कोई नहीं दिया है, कहाँ दिया है, सब बेरोजगार आदमी टैक्सी चला रहे हैं। इनकी बातों पर क्या जवाब देना चाहेंगे? रोजगार में है, कि हमें अच्छा रोजगार मिला, जब से बीजेपी है रोजगार मिला, घर में फ्री का सिलेंडर मिल रहा है, खाना मिला, राशन मिला, क्या चाहिए? आपका क्या विचार है इनके सवालों का, जो ये बोल रहे हैं कि सब लोग बेरोजगार हैं, कोई रोजगार नहीं मिला, उसका क्या जवाब देना चाहिए? देखो, 500 साल बाद अयोध्या में राम विराजे, और पूरी ये तो देवभूमि है, देवभूमि में आए हो, और देवभूमि के आधार पर यहाँ की जो 5 की 5 लोकसभा है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई शक भी नहीं है, और कहीं तक कोई दूसरी पार्टी यहाँ आ भी नहीं सकती। और ये क्षेत्र का विकास जो पूरी तरह हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, 2014 से लेकर 2024 तक जो 10 साल का कार्यकाल है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और उससे बहुत सुखद है। देखो, 370 हटाई मोदी जी ने अपना काम किया, उसके बाद राम मंदिर लाने का वचन दिया था, आज 500 साल बाद भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर अयोध्या में विराजमान होकर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो धीरे धीरे ये लगता है कि जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका नारा है 400 पार, और हमें लगता है कि इस बार हम 400 पार से आगे जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का ये जो परचम है वो और आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, देखो विकास की तरह से एक ऑल वेदर रोड बनी है, जिसमें जिससे भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया कि जो आदमी यहाँ चंपावत आने में सोचता था, जो भी पर्यटक आप पश्चिम बंगाल से ले लीजिए, देखो ट्रेन चल रही है यहाँ से, दिल्ली ट्रेन चल रही है यहाँ से, यहाँ से देहरादून चल रही है,
और आज की डेट में तो ये तो माननीय नरेंद्र मोदी जी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की सीट है, इसमें तो कोई परचम ही नहीं है। ये सीट अगर पिछली बार माननीय अजय टमटा जी को 28,000 पोलिंग हुई थी तो इस बार 35,000 से पार जाएंगे। ये आप समझ लीजिए कोई ना कोई दूर से दूर तक किसी और को सोचना भी नहीं है। आपकी सारी बातों का जवाब दे रहे हैं, आप पीछे से निकल रहे हैं। पीछे से नहीं निकल रहा मैं, तो सारे टैक्सी वालों का एक लीडर भी हूँ। अच्छा। मैं वो गरीब आदमी है जिनको रोजगार तो दिया नहीं सरकार ने, टैक्सी का कर्जा तो दिया और हर दूसरे दिन कानून बनाया जाता है टैक्सी वालों के ऊपर। सब यादव यादव भर दिए वहाँ, सब यादव यादव आए थे बैंक का कर्जा लेके। आप बोल तो रहे हैं, आपके आपके लिए सवाल खड़े हो रहे हैं ना, सुनिए। इनके मुख्यमंत्री जी ने दिया था रोजगार, सब यादव ही यादव भर दिए। ऐसा है ना, ये उत्तराखंड है, यहाँ तो सब पहाड़ी रहते हैं, यहाँ तो कोई यादव है नहीं। अखिलेश यादव ने पूरे उत्तराखंड में उसकी उनकी ससुराल है, पूरे उत्तराखंड वासी को चाहते हैं अखिलेश, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। और किसी भी सरकार ने रोजगार नहीं दिया है, सारी दुनिया को पता है। उनको जो 5 किलो राशन दिया उससे पेट भर लिया, इसलिए वोट पड़ रही है, यही मैं कह सकता हूँ। और भी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो वैचारिक मतभेद है राजनीति को लेकर वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। कुछ लोग का दावा है कि समाजवादी पार्टी ने रोजगार दिया था, भाजपा नहीं दे रही, तो वही पलटवार हो रहा है कि भाजपा ने रोजगार दिया है लेकिन समाजवादी की पार्टी का जब यहाँ पर दबदबा था, जब वहाँ की सरकार थी तब उसमें कुछ नहीं हुआ था। और लोग बातचीत करते हैं कि उनकी क्या मंशा, उनकी क्या राय है। तो आप सर अभी बोला गया कि युवाओं को जो है वो रोजगार नहीं मिला, भाजपा की सरकार में विकास कार्य नहीं हुए हैं, अभी आपके आगे ये सवाल खड़े हुए, तो इसका किस तरीके से जवाब देना चाहिए? मैडम बाकी विकास कार्य बहुत ज्यादा हुए हैं, यहाँ कोई कमी नहीं है। एक सिर्फ यहाँ जो है मेडिकल कॉलेज खुल जाए बस, इसी की हमारा पहाड़ों क्योंकि ये वो है मतलब डिस्टर्ब एरिया है। बाकी ये आप लोग विकास देख ही रहे हैं, हाईवे ऐसे बना, फसका बना, कोई बेरोजगार नहीं है यहाँ, ठीक है। जो जैसे सपा के अध्यक्ष कह रहे थे, इन्होंने पहाड़ को सिर्फ शराब से अलावा कुछ नहीं दिया है। पहले यहाँ ड्राइरिया होता था, ये मुलायम सिंह ने ही यहाँ खुलवाया है, ये भड्डी बुड्डी ये सब जो है इसने खुलवाया था। और ये रामपुत्र राय के हत्याकांड वाले हैं जो ये बीजेपी को मतलब ब्लेम कर रहे हैं। बाकी बीजेपी ने बहुत विकास किया है, यहाँ कोई जनता नाराज नहीं है। बाकी दूसरी पार्टी अगर यहाँ नामांकन करेगी उनकी जमानत जब्त तो निश्चित है। दूसरी पार्टी का नामांकन भी स्वीकार नहीं है? बिल्कुल नहीं है, जनता को नहीं है स्वीकार, हमें क्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि चंपावत के लोगों को भाजपा के अलावा दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों का नामांकन भी बर्दाश्त नहीं है, उनका नामांकन भी स्वीकार नहीं है। चंपावत की जनता जोरों शोरों से भाजपा को चाहती है और इसकी तस्वीरें और इसकी आवाजें आप पीछे सुन सकते हैं कि भाजपा का दबदबा, भाजपा का विकास जो है वो चंपावत सीट पर जमकर बोल रहा है। और क्या कुछ चंपावत में चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड में चल रहा है, उत्तराखंड के अलावा पूरे देश प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां किस तरीके से हैं, कितनी जोरों शोरों से चल रही है, इसकी सारी अपडेट प्रतिपक्ष संवाद के सत्ता पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। लोगों से लगातार हमारी बातचीत जारी रहेगी और वो इलेक्शन को लेके कितनी तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ है, विकास कार्य कैसे हैं, एक एक चीज आपको दिखाई जाएगी और बताई जाएगी। और लोगों से बात कर लेते हैं क्योंकि बार बार पलटवार हो रहा है कि कुछ लोगों को रोजगार मिला, कुछ को नहीं मिला, विकास हुए या नहीं हुए, तो इसके तह तक जाएंगे और सच्चाई तक जानेंगे कि कितनी कौन सी बात में कितनी सच्चाई है। क्या क्या लगता है कि क्या होने वाला है इस बार, कुछ चमत्कार होगा? आएगी कांग्रेस, बिल्कुल आएगी कांग्रेस, आएगी बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। क्या किया है बीजेपी ने, हमारे पहाड़ में अग्नि एक आर्मी में हमारा युवा भर्ती होता था, पहाड़ का नौजवान एक गांव में जाते थे तो सुबदार साहब आ गए, मेजर साहब आ गए, होलदार साहब आए, आज एक सुबदार साहब कहने लायक भी नहीं रखा इनने, एक अग्निवीर जो भारत की जवानों ने इस देश को जिंदा रखा है, और एक किसान का बेटा ही जवान बनता है, नेता का बेटा जवान नहीं बनेगा। लेकिन क्या करा बीजेपी ने, आज हमारे देश की जो हमारे युवा, हमारे पहाड़ के युवा जो आर्मी गरीब घर का बच्चा आर्मी में था, आज व्यवस्था भी खत्म करके रख दी। और 4 साल की अग्निवीर होगी, अग्निवीर जो 4 साल के लिए देश का सिपाही रहेगा और 4 साल के लिए उसके लिए साथ साथ शादी भी नहीं करेगा, वो ऐसी पाबंदी क्या होगा इस देश के युवा का भविष्य क्या। मैं आज डंकी की चोट में कह रहा हूँ, ये बीजेपी ने क्या किया है युवा के लिए, क्या रोजगार दिया है, जवाब मिलने वाला है। पहले टनकपुर कितने घंटे में पहुंचते थे यहाँ से, कितने मैं पूछिए इनसे कितने घंटे में पहुंचते थे, कितने घंटे में पहुंचते थे बताइए, 2014 से पहले बताइए बताइए। एक सेकंड, अग्निवीर का जवाब आप आगे अग्निवीर का जवाब देने वाले थे। अग्निवीर 4 साल का है, कोई नहीं दिक्कत नहीं है, 4 साल में भी जवान जो देश सेवा करना चाहता है कर सकता है।
और अगर देश सेवा करनी है 4 साल हो 16 साल हो कितने साल भी हो कर सकता है भाई, मन से होनी चाहिए इच्छा देश सेवा करने की। हर युवा को मौका मिल रहा है और 25% युवा उसमें परमानेंट है, 50% का भी सरकार ने मौका रखा है उसमें, 50% अग्निवीर हो सकते हैं परमानेंट, कोई दिक्कत। तो कह रहे हैं कि देश सेवा करने का मौका तो मिल रहा है, लेकिन उस जवान को देश सहित का दर्जा तो नहीं दिया जा रहा, क्या फायदा? कौन कह रहा शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? आगे जाए, आगे आ जाए। मैम एक यहाँ कांग्रेस है और एक समाजवादी पार्टी है और सब भाजपा वाले हैं, ये सही देने के लिए तैयार है, कोई हमसे कह दो एक साल के देश सही देने के लिए तैयार है, हम एक साल के लिए देश एक कोई हमसे कहे 2 दिन के लिए ना देश सहित के लिए तैयार है हम। और चंपावत वाली बात, पूरे उत्तराखंड में 15 साल से कोई स्वास्थ्य विभाग कोई नौकरियां नहीं आई है, किसने दे रखी है? बीजेपी सरकार ने दे रखी है नौकरियां। यहाँ सारे जवाब आपको मिलने वाले हैं, आपको भी पूरी चंपावत पूरे उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग कहीं नौकरियां नहीं मिल रही है और बीजेपी सरकार ने नौकरियां दे रखी है, एनएम से जेएनएम से लेकर एमबीबीएस से कहीं तक नौकरियां, और आज तक कोई कह सकता है कि यहाँ पर नौकरियों की हर मोदी पैसा। सुन लीजिए पहले सवाल सुन लीजिए, जवाब तभी दे पाएंगे। जो नर्सिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं बीजेपी की, ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के टाइम में उसकी स्वीकृति हुई थी। क्या कहना चाहेंगे? स्वीकृति ऐसा कांग्रेस के टाइम में होता था, क्या होता था? शिलान्यास होगा आज, और सुनो उद्घाटन कब होगा? जब 20 साल बाद उद्घाटन होता था, और इनकी सरकार में अब जो होना है, आज रोड देखिए 4 साल में कौन बना दी, गड्ढे नहीं भरते थे रोड के, ओनली गड्ढे कह रहा हूँ, खाली सिर्फ गड्ढे भरने में 5 साल लगते थे, अब 4 साल में रोड बन के तैयार कर दी, जो करते हैं वो करते हैं, ये नहीं कि शिलान्यास कर दिया उन्होंने और चले गए, भी टोकन मनी देते थे 1 लाख की, 1 लाख की टोकन। कांग्रेस ने इस देश को बनाया, बीजेपी इस देश को बेच रही है, डंके की चोट में कह रहा हूं, बनाया पूरा अर्थव्यवस्था सब आज डाउन। तो पहले कैमरे पर बोलिएगा और थोड़ा रास्ता दीजिएगा कि ताकि आप लोग आ पाए, अगर बोल रहे हैं तो चेहरा आना जरूरी है ना, इधर आ जाओ, पहले जगह बनाइए ताकि जो कुछ बोला जा रहा है उसको इजीली रिकॉर्ड किया जा सके। आपके लिए बोला जा रहा है कि अखिलेश को चाहते हैं आप सब, नहीं कांग्रेस को, तो कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस को गड्ढे भरने में 5 साल लग जाते थे। वो कहने की बात होती है, जितनी मुंह उतनी बात होती है, कांग्रेस ने देश को इस देश को बनाई, इस देश को कांग्रेस ने आजादी दिलाई, इस देश को स्वतंत्रता, डॉक्टर थे इनकी सरकार में, इनकी डॉक्टर कितने डॉक्टर, सवाल खड़े हो रहे हैं, वही कांग्रेस की देन है। मैं कितने डॉक्टर बता रहा हूँ, सब चीज का कांग्रेस ने सब कुछ किया, सिर्फ शिलान्यास जरूर किया है, उद्घाटन कभी नहीं कर पाए। इनसे पूछिए, आप वर्मा जी से पूछिए। एक चीज, सीधे रोडों की बात करते हैं तो रोड में, जिस रोड में हम खड़े हैं इसे अब ऑल वेदर रोड कहते हैं, ये इस रोड पे आज से आप 10 साल पहले जाएंगे तो इस रोड से टनकपुर का जो अभी हम डिस्टेंस है 75 किलोमीटर की दूरी है अभी यहाँ से टनकपुर की, जो पहले भी इतनी थी, लेकिन उसमें 3 से 4 घंटे लग जाते थे और महीनों तक, ये जनता गवाह है, महीनों तक रोड ब्लॉक रहती थी, और अब अगर ब्लॉक भी होती है तो तुरंत खुल जाती है। और ऑल वेदर से मैं आपको बताऊँ, जो हमारे पिथौरागढ़ सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के लोग हैं वो वाया हल्द्वानी जाने के लिए वाया अल्मोड़ा रूट यूज करते थे, लेकिन अब वो यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ के लोकल के व्यापारी को भी फायदा हो रहा है और उनका टाइम भी बच रहा है। तो ये कांग्रेस की नहीं, ये बीजेपी की देन है, ये ऑल वेदर रोड जो है, रोड की बात हो रही थी, ये बीजेपी की देन है। कई चीज़ें विकास हो गया है और पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में हम कहाँ के जीडीपी कहाँ की कहाँ पहुँच गई, अर्थव्यवस्था की बात देख रहे हो, आज कहाँ गए कांग्रेस वाले ना। और चीज़ बताऊँ मैं उनको कि जो हमारा देश, मैं बता रहा था कांग्रेस ने सब कुछ किया है, बस सिर्फ एक काम बहुत अच्छा किया है, शिलान्यास सब चीज के कर दिए, उद्घाटन किसी चीज का नहीं कर पाए। कांग्रेस के काल में आपके अनुसार शिलान्यास ज्यादा हुए हैं विकास का? विकास तो हुए ही नहीं है, शिलान्यास हुए हैं खाली, हो गया पत्थर ठोक दिया, अब बनेगा कब? जब तीसरी पुस्त आ जाएगी हमारे, तीसरी पुस्त बाद हमारी तीसरी पुस्त जब दूसरे की सरकार आएगी वो उद्घाटन करती है। महंगाई देखो ना, महंगाई कहाँ पहुँच गई, कांग्रेस की सरकार में 250 महंगाई नहीं है महंगाई का बताऊं हिसाब, मैं इनको महंगाई का भी हिसाब बताऊं, आज से 20 सर सुनिए, आप सवाल करें तो जवाब भी लीजिए ना, सवाल आज से 20 साल पहले चाय कितने की थी? 30 रुपए की, आज कितने की है? 55 रुपए की। पहले मजदूर को तनख्वाह हम जो मजदूरी कितनी मिलती थी? 50 रुपया पर डे, आज कितनी है? 600, उसके एवरेज में जा रहा है तो 700 times जो है तनख्वाह बढ़ चुकी है, और वो कितनी बढ़ा है? महंगाई बढ़ी है मात्र 30% या 40%।
कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है तो वेतन भी बढ़ा और महंगाई से ज्यादा वेतन बढ़ा। हाँ, वेतन बढ़ा है तो रोजगार तो नहीं दे रखा है, वेतन से क्या करोगे? उन्हीं सरकारी आदमी को रोजगार मिलता है, क्या सरकारी क्या करी होगा क्या काम? जो युवा है हमारा बेरोजगार, पहले सवाल ले लीजिए जवाब दीजिए, जो युवा है उनको रोजगार दिया है क्या बीजेपी ने? जो वेतन बढ़ा दिया कह रही है, महंगाई देखो महंगाई कहाँ पहुँच गई है। अभी जो है 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में जीतेगी, भाई अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेगा, अखिलेश यादव जिंदाबाद। कह रहे युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो महंगाई बढ़ी। सपा साफ होगी, कांग्रेस साफ होगी। आपको सीधे सीधे ये बता दूं, देखिए कांग्रेस वाले डिबेट में थे, कांग्रेस वाले डिबेट में थे, कहाँ है? सपा वाले थे डिबेट में थे, कहाँ है? देखिए कैसे साफ, और ये कह रहे 5 सीटें जीतेगी सपा। 5 सीटें तब, 5 सीटें तब जीतेगी जब 5 सीटें लड़ेगी। आप, आपके पास कैंडिडेट है नहीं। आप अगर इंडिया गठबंधन जो इन्होंने बनाया तो उसके हिसाब से तो इन्हें मिल जाएगी, तो एक हरिद्वार मिलेगी वो भी मुश्किल है, कांग्रेस छोड़ेगी नहीं। यानी कि यानी कि चंपावत की सीट पर भाजपा के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, एक तरफा फुल दबदबा, एक तरफा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी भारत सरकार, और अजय टंडा जी एक तरफा जीतेंगे मैम। उसका धामी जिंदाबाद। अगर 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 कांग्रेस की सरकार प्रधानमंत्री होती तो लॉकडाउन में सारे आदमी मर गए होते, इलाज नहीं होता उनका। नरेंद्र मोदी ने सारी जनता बचा रखी है। यानी कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस कोविड के टाइम पे अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम कर रखा है, पूरी पूरी जनता बचा दी। अच्छा, अगर दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता वो कोई किसी को न दवाई दे पाता न कुछ कर पाता, और पूरे लॉकडाउन में पूरे आदमी सब राशन ये भी फ्री खा रहे हैं जो भी बोल रहे ना कांग्रेस। लेकिन आरोप प्रत्यारोप उस वक्त भी खूब लगे थे कि भाजपा सरकार कोविड को संभाल नहीं पा रही है और बहुत बुरे हालात हो चुके। वो तो सब दुनिया देख रही है, संभाल नहीं संभाल दिया करके, वो तो आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, संभाल दिया नहीं संभाल दिया करके। तो क्या लगता है क्या चंपावत में क्या माहौल? चंपावत में सबसे बढ़िया ये लगा कि शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग बहुत बढ़िया, मतलब जो भी हमारे मुख्यमंत्री और धन सिंह रावत जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी बहुत बढ़िया कर रखा है, आदमी को रोजगार दे रहे हैं चंपावत में। कहीं आज पहले आदमी आते हल्द्वानी देहरादून भागते थे, हल्द्वानी बरेली भागते, आज कम से कम यहाँ इलाज हो रहा है, बहुत बढ़िया कर रखा है व्यवस्था, बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हम आईएसबी क्या स्विट्जरलैंड बन गया ये, हम तो कह रहे हैं स्विट्जरलैंड कम ठहरा इसके चंपावत के साथ, स्विट्जरलैंड कम ठहरा यहाँ। 5 साल बाद देखना यहाँ का विकास कैसा होता है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया चंपावत। मतलब एक ही नाम होने वाला है चंपावत में, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, एक ही नाथ एक ही नाम, पुष्कर धामी जिंदाबाद। कल यहाँ पर मार्केट पर पंगा हुआ था, पूरा मार्केट ऐसा था, पुलिस प्रशासन यहाँ पर नहीं, मुख्यमंत्री क्षेत्र था, यहाँ पर पूरा पंगा हुआ था, कोई लकड़ी लेके कोई यहाँ से लाठी लेके पंगा कर रहा था, यहाँ पर मुख्यमंत्री क्षेत्र है, कोई आदमी यहाँ पर पुलिस का कोई प्रशासन यहाँ नहीं, होमगार्ड की लड़कियाँ थी इधर उधर भाग रही थी, तो पुलिस प्रशासन में कोई नहीं, क्यों नहीं आया मुख्यमंत्री क्षेत्र पर यहाँ पर? कल की बात है, आप CCTV में देख सकते हैं यहाँ पर पंगा किस वजह से मुझे नहीं पता मैडम, 2 गुटों में पंगा हुआ था यहाँ पर, अब पता नहीं किस पर हुआ था, अब मुझे पता नहीं है, लेकिन कल पंगा हुआ था यहाँ पूरी मार्केट पर, कोई पूरी CCTV में कैद है वो, मुख्यमंत्री क्षेत्र है यहाँ पर, कोई पुलिस प्रशासन क्यों नहीं आया यहाँ पर कल की डेट पर मुख्यमंत्री क्षेत्र पर? कोई सुरक्षा तैनाती नहीं थी और कुछ नहीं था, होमगार्ड की लड़कियाँ थी वो इधर उधर भाग रही थी, और उसके अलावा कोई नहीं आया, मुख्यमंत्री क्षेत्र है यहाँ पर, मुख्यमंत्री यहाँ पर, विधायक भी हैं हमारे, मुख्यमंत्री भी हैं। तो चंपावत की स्थिति मैं आपको बता रही हूँ, आप आरोप प्रत्यारोप लगातार सुन सकते हैं, कुछ का दावा है कि बहुत अच्छा विकास हो रहा है, तो कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो इस बात की शिकायत करेंगे कि यहाँ पर करते हुए आपको नजर आ रहे हैं कि ये जमीनी स्तर है। चुनाव में हमेशा आप जमीनी स्तर पर जितना जाएंगे उतनी हकीकत आपको जानने का मौका मिलता है कि चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, विकास कैसा हो रहा है, जो सत्ता है इस वक्त जो पार्टी सत्ता में है वो कैसा काम कर रही है, ये चीज की खबर जो है वो ग्राउंड जीरो पर उतरने के बाद मिलती है, लोगों से बातचीत करने के बाद मिलती है। तो क्या कुछ चंपावत में चल रहा है इसकी खबर सीधा आप तक पहुंच रही है। तो प्रतिपक्ष संवाद की जो चुनावी यात्रा है इसको लगातार देखने के लिए आपको प्रतिपक्ष संवाद पर बने रहना पड़ेगा।